हेलो फ्रेंड्स, इस तरह की कच्ची हल्दी और आंबा हल्दी का अचार कुछ नए तरीके से सीखना हो फ्रेंड्स, तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। 1 साल या 6 महीने कैसे स्टोर करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। कई गुणों से भरपूर कच्ची हल्दी का अचार एक बार इस तरह से बनाए करके देखे, पूरे साल तक खराब नहीं होगी फ्रेंड्स। ये रेसिपी के कई सारे फायदे हैं, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही फायदेमंद आयुर्वेदिक औषधि भी माना जाता है ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम आंबा हल्दी और कच्ची हल्दी का अचार बनाना मैं सिखाऊंगी। इस आंबा हल्दी और कच्ची हल्दी अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तब आप 6 महीने या 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये वाइट हल्दी आंबा हल्दी है, इसको मैंगो जिंजर भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसका स्वाद है जैसे हम कच्चा आम खाते हो, वैसा ही इसका फ्लेवर हमें मिलता है फ्रेंड्स। और ये कच्ची हल्दी है, इसका तो हम रोज़ अपनी सब्जियों में उपयोग करते हैं फ्रेंड्स। ये वाइट आंबा हल्दी है और ये कच्ची हल्दी ऑरेंज फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसका सिल्का निकालेंगे फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से चप्पू की मदद से हम इनका सिल्का रिमूव कर देंगे। इस तरह से हमें निकाल देना है। इस तरह से हमें सारी हल्दी का सिल्का निकाल देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी हल्दी का सिल्का निकाल दिया है फ्रेंड्स। मैंने हल्दी 250 ग्राम ली है, आप जितना लेना चाहते हो वितना ले सकते हो फ्रेंड्स। मैंने आंबा हल्दी ज़्यादा ली है और कच्ची हल्दी कम ली है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे इस तरह से टुकड़े करके पतले लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पतले पतले बनाने हैं ताकि हमारा अचार टेस्टी बने। जितना पतला और बारीक होगा इतना हमारा अचार अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। इस तरह से हमें सारी हल्दी को काट लेना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बारीक करना है। फ्रेंड्स, सारी हल्दी को मैंने पतली लंबी स्लाइस में काट ली है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कच्ची हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। सर्दी जुकाम खांसी से हमें छुटकारा मिलता है, कमर का दर्द दूर होता है, हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है, जोड़ों के दर्द से हमें आराम मिलता है फ्रेंड्स। सेहत से भरपूर है कच्ची हल्दी फ्रेंड्स। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 3 बार फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है और मैं सारी हल्दी इसमें डाल देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सादा पानी लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर और भी सारे छिलके हो तो वो निकल जाए फ्रेंड्स। 3 बार हमें इस तरह से साफ़ करना है फ्रेंड्स। अब हम दोबारा पानी डालेंगे फ्रेंड्स। मैंने साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 स्पून नमक लिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। लेमन भी हम डालेंगे इसमें। जितना लेमन डालेंगे उतना हमारा ये अचार टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेमन का सिल्का नहीं डालेंगे क्योंकि अचार का टेस्ट खराब हो जाता है। कई लोग डालते हैं पर हम नहीं डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और लेमन अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। अब हम बॉटल में इसको भर देंगे इस तरह से फ्रेंड्स। सारी हल्दी इसमें हम डाल देंगे।
फ्रेंड्स हमारा अचार बनके रेडी है। फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। अगर आपको एक साल तक स्टोर करना है तो ही इसमें पानी डालना है। पर एक बात ध्यान में रखनी है, पानी हमें 1 या 2 महीने के बाद इसको निकाल देना है और दोबारा पानी और लेमन डालना है तो ही 1 साल तक ये स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको 6 महीने तक रखना है तो पानी नहीं डालना है। अब हमें इसको 1 दिन के लिए बाहर रखना है और इस तरह से हमें हिलाते रहना है ताकि लेमन नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स बाद में फ्रेंड्स इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। हल्दी के और भी फायदे हैं फ्रेंड्स। कच्ची हल्दी दिल के कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने में मदद रूप होती है। हमारी बॉडी को ब्लड शुगर लीवर को कंट्रोल रखती है फ्रेंड्स, और वेट लॉस्ट बहुत ही फायदेमंद है ये हल्दी। फ्रेंड्स ओडिशा में और साउथ में लोगों चेहरों पर लगाते हैं। हल्दी हमारे चेहरों को गोरा रंग और मुलायम बनाती है फ्रेंड्स। अगर आप रात को कच्ची हल्दी का दूध में पीते हो तो सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा मिलता है, नींद का आना पीरियड्स में दर्द में छुटकारा मिलता है, वजन कम होता है, बीमारियों को दूर भगाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स कच्ची हल्दी की और आंबा हल्दी का अचार बनाने की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो भी और अच्छी ना लगी हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करना और लाइक करना सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। जो लोग ने मेरा पूरा वीडियो देखा है उसको दिल से धन्यवाद।